महाराष्ट्र के जंगलों में मिली है दिव्य औषधि, कीमो से भी तेज काम करती है यह कंद। इस कैंसर कंद के छोटे छोटे पीसेस करके खाली डीप कर देना, भिगो देना है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के जंगलों में घूम रहे थे और घूमते घूमते ये यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जो एक औषधि देख रहे हो जिसे कैंसर कंद के नाम से जाना जाता है, आप इसकी शेप को देखोगे तो ये बिल्कुल कैंसर कंद की तरह ही है। कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसी की तरह से ये दिखता है। कमाल की बात यह है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें पहले इसके परिवार को बचाना है कि ये जो औषधि है इसको हम किस किस वातावरण में उगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस औषधि के परिवार को बढ़ा सकते हैं। मैं इसके प्रयोग की विधि आपको बता दूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले आधा लीटर पानी लेना है और उसके अंदर कोकम, ये जो आप पत्ते देख रहे हैं कोकम भी यहाँ पर एक जड़ी बूटी होती है और इसे आम सूल भी बोलते हैं और विकिपीडिया पे आप देखोगे तो ये कोकम के नाम से है, ये फल होता है। आपको ये आम सूल की 2 चम्मच आधा लीटर पानी में बॉयल करनी है। बॉयल करने के वो जब बॉयल हो जाए अच्छे से तो उसी पानी में इस कैंसर कंद के छोटे छोटे पीसीज करके खाली डिप कर देना है, भिगो देना है। रात भर ये कैंसर कंद के जो टुकड़े हैं उस पानी में रहेंगे तो इसका जो विष तत्व है वो विष तत्व समाप्त हो जाएगा। बाद में इसको आपको देसी गौमाता के घी में, और देसी गौमाता में भी खाली गाय का अगर घी हो तो वो अमृत की तरह काम करता है, और उसको सेकने के बाद जब आप उसे सेक लें तो उसको चने के दाने के बराबर आप रोगी को रोजाना दें सुबह सुबह। ऐसा प्रयोग करने से कैंसर में अद्भुत लाभ रोगी को मिलेगा और इसके ऊपर और विस्तार से हमारी रिसर्च टीम काम करेगी आने वाले समय में। कीमो से भी तेज़ी से कार्य करने वाले बहुत सारे विकल्प हम रोगियों को देंगे और इसी में हमारी टीम एक डीएनए थेरेपी, क्योंकि कैंसर कहीं ना कहीं हमारे डीएनए की विकृति है, तो उसके ऊपर भी पैरलर काम कर रही है और उसमें हमें देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन किसानों की जिनके पास देसी बीज हैं, तो वो डीएनए थेरेपी भी पूरी की पूरी तैयार की जा रही है, वो पूरा चिंतन है और हमारी रिसर्च टीम उस पर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। कैंसर को हराएंगे, निश्चित रूप से हराएंगे, यही हमारे जीवन का सार है। और ये देखिए आप इसकी कैंसर कंद को जैसे जैसे आकार में देखते जाएंगे तो कैंसर के जितने भी ट्यूमर ऑपरेट होने के बाद होते हैं ठीक उसी प्रकार से ये कैंसर कंद है। तो निश्चित रूप से आगे इसमें और बहुत सारी प्रगतियां होंगी। रिसर्च टीम निरंतर कार्य कर रही है और गंगा माँ के किनारे जो ये शोध केंद्र स्थापित होने जा रहा है उसके बाद इसमें और तीव्रता से काम होंगे। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें।